और इस दफ़ा काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसकी वजह कुछ पर्सनल मेरी मसरूफियात थी। तो जितने भी मुस्लिम ब्रदर्स मेरे व्यूअर्स हैं उनको मेरी तरफ से ईद मुबारक। आपको जैसे पता है कि हमने सैलून फेशियल सीरीज़ स्टार्ट की है, उसका मकसद ये है कि आप लोग एक पूरी अपनी फेशियल की किट बनाएं और सैलून्स पे अपना काम शुरू करें। बड़ा ही प्रॉफिटेबल काम है सैलून्स पे। तो इसी सीरीज़ की जो दूसरी फार्मूलेशन है वो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वो एक मड मास्क है जिसको हम क्ले मास्क भी बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा रेगुलर आइटम, बहुत इम्पोर्टेंट आइटम है फेशियल की। तो 1 किलो का बैच है, आप नोट डाउन करें। पहले आपने जी फर्स्ट फेज़ में आपने लेना है केओलिन 480 ग्राम, जेंथेन गम 10 ग्राम, टाइटेनियम डाइऑक्साइड 50 ग्राम। सेकेंड फेज़ में आपने लेना है वाटर 500 ग्राम। कलर अगर आप डालना चाहते हैं तो वो अपनी मर्ज़ी से जितना डालें, फूड ग्रेड कलर यूज़ करें। इसके अलावा DMDM हाइड्रेंटोइन आप यूज़ करेंगे 4 ग्राम, फिनॉक्सी इथेनॉल 3 ग्राम होता है, ये प्रिजर्वेटिव है फिनॉक्सी इथेनॉल। इसकी खुशबू गुलाब जैसी होती है, लेकिन आई डोंट नो पाकिस्तान में, इधर मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ, इधर लोकल मार्केट में मैंने देखा है तो वो फ्रेगरेंस फ्री होता है। अब वो पता नहीं फिनॉक्सी इथेनॉल होता है या कुछ और होता है। ये जो मैंने यूज़ किया है वो फ्रेगरेंस उसकी जो चाहिए ना गुलाब की तरह की होती है, बड़ी माइल्ड सी खुशबू होती है, बहुत अच्छी सी। तो फिनॉक्सी इथेनॉल प्रिजर्वेटिव है, ये आपने 3 ग्राम लेना है। इसके अलावा मिथाइल पैराबिन सोडियम 3 ग्राम, प्रोपाइल पैराबिन सोडियम 2 ग्राम, और फ्रेगरेंस आपने इसी फेज़ में डालनी है जितनी आपको ज़रूरत हो। तो इसके अलावा जी तीसरा फेज़ है, उसके अंदर हम लेंगे ग्लाइसिरोक्स HE, जो इसका असल इनकी नेम है वो है PEG7 ग्लिसराइल कोकोएट। अच्छा, ये केमिकल इसमें इंपॉर्टेंट होता है इस मड मास्क में, ठीक है। तो ये कराची में वैसे ये इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगा, आप कराची से सोर्स कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसका प्रोसेस बताऊंगा। प्रोसेस बड़ा इजी है। पहला तो ये आपने ये करना है कि जो फर्स्ट फेज़ लिया केओलिन, जेंथेन और टाइटेनियम, इसको आपने ड्राई मिक्सिंग कर लेनी अच्छे तरीके से। फिर आपने पानी लेना है सेकेंड फेज़ में, उसको पानी को आपने 70 डिग्री तक आपने इसको हीट अप कर लेना। उसके बाद उसके अंदर जितने मैंने इंग्रेडिएंट बताए हैं सेकेंड फेज़ के वो डाल देने हैं। फिर आपने पहले फेज़ को सेकेंड फेज़ में डाल के और तेज़ मिक्सिंग स्टार्ट कर देनी है। ये नहीं करना कि एकदम सारा डाल दें, वो उछल के आप पे भी गिर सकता है, पानी गर्म होता है। तो आपने इसको थोड़ा थोड़ा डालते जाना, मिक्सिंग करते जाना, फास्ट मिक्सिंग करनी है। अगर आप छोटा बैच बना रहे हैं तो किचन स्टिक ब्लेंडर जो से होते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप कमर्शियली काम करना चाहते हैं और आपके पास इतनी इक्विपमेंट नहीं है तो आप सिंपली एक मिक्सर बनवाएं, शाफ्ट बनवाएं, इसके आगे प्रोपेलर सा लगाएं और उसको आप हाई स्पीड ड्रिल मशीन के साथ आप अटैच करके तो आप मिक्सिंग कर सकते हैं। फिर आपने जब ये सेकंड फेज़ में, अब आपने फर्स्ट फेज़ डाला, इसकी अच्छी तरीके से मिक्सिंग करते जाना है। इतनी करनी है कि ये एक होमोजीनियस मिक्सचर तैयार हो जाए, यानी एक यकजान सा हो जाएगा और ये बड़ा थिक हो जाएगा। और ये आपने ख्याल रखना है कि आपका बैच साइज अगर बड़ा हुआ और आपके मोटर कमज़ोर हुई या आपके स्टिक ब्लेंडर छोटा है या कमज़ोर है तो वो जल भी सकता है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, आपने बैच साइज उस हिसाब से अपनी मोटर की पावर के हिसाब से एडजस्ट करना है, ठीक है। तो अगर मिसाल के तौर पे 10 kg क्रीम आपकी क्रीम वो बना रही है, अगर नॉर्मल क्रीम बना रही है आपकी जो मोटर है, जो मिक्सर है, तो आपने उसमें 4 kg से 5 kg से ऊपर नहीं जाना उसमें, ठीक है। अब ये सारा अब तैयार हो गया, तो एंड पे आपने इसमें ग्लाइसिरोक्स HE यानी PEG7 ग्लिसराइल कोकोएट जो आपने 3 ग्राम लिया है जस्ट, वो आपने उसमें 1 किलो में के अंदर डाल देना और उसकी फ़ाइनल मिक्सिंग कर लेनी है। और मिक्सिंग आपने फ़ाइनल मिक्सिंग जो करनी है इसकी बड़ी ही स्लो करनी है, तेज़ नहीं करनी ताकि बबल्स ना आए। जैसे ही ठंडा हो तो उसके बाद आप इसकी फिलिंग कर सकते हैं। ये बड़ा ही अच्छा फार्मूला है और इसका ड्राइंग टाइम बहुत जल्दी है। मार्केट में जो मड मास्क आते हैं वो बहुत देर से ड्राई होते हैं, तो पार्लर्स और सैलून पे भी ये प्रॉब्लम आती है उन लोगों को कि इनका टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। तो ये फार्मूलेशन बहुत ही ज़बरदस्त है, इस फार्मूलेशन को आप कमर्शियली बनाएं और इससे कारोबार करें, इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, पसंद आती हैं, तो इसको शेयर करें, क्योंकि अच्छी चीज़ें शेयर करना नेकी है, सवाब है और अच्छा काम है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो आप इसको शेयर भी किया करें। शुक्रिया।